नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। आज फिर एक नया नोटिफिकेशन आया जॉब्स के लिए, जो एक नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकला है, जो कि पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस रोहतक द्वारा जारी किया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/19 के द्वारा ग्रुप सी की बहुत सारी पोस्टें एडवर्टाइज की गई हैं। इस ग्रुप सी की पोस्टों को जो 7 और 8 मार्च 2019 के दैनिक जागरण, ट्रिब्यून और दैनिक भास्कर में पब्लिश किया गया था, यह एक ज्वाइंट एडवर्टाइजमेंट है, जो कि कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल, बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खानपुर कलां सोनीपत, एसएचकेएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नलहार नू और पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक का ये ज्वाइंट एडवर्टाइजमेंट है। इसमें इन चारों साइंस के जो इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, इनकी ज्वाइंट एडवर्टाइजमेंट है और इसमें सभी जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी वैकेंसीज को मिलाकर एडवर्टाइजमेंट किया गया है। इसमें बहुत सारी पोस्टें एडवर्टाइज की गई हैं और इस एडवर्टाइजमेंट को पूरी देखने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ एक लिंक देंगे, वहाँ से अभी आप इसको जो एडवर्टाइजमेंट है फुल डिटेल के साथ आपके साथ अवेलेबल होगी। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने पर इस प्रकार के जॉब नोटिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। तो आप इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए www.uhsr.ac.in पर जाकर आप इस पूरी एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इस एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या डेट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। इस एडवर्टाइजमेंट से संबंधित जो डेट्स हैं, ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 22 अप्रैल 2019 से यह ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी, और जो क्लोजिंग डेट है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो 15 मई 2019 है, यानी आप 15 मई 2019 तक ही अप्लाई कर सकेंगे। और जो क्लोजिंग डेट है फॉर डिपॉजिट ऑफ फी डिपॉजिट करने की जो आखिरी तारीख है वो भी 15 मई 2019 है। 15 मई 2019 को रात्रि आप 11:59 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और फीस डिपॉजिट करा सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्टें एडवर्टाइज की गई हैं। अब आपकी वीडियो स्क्रीन पर जो आपको दिखाई पड़ रही है, सबसे पहले स्टाफ नर्स के कुल 595 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 595 पदों में स्टाफ नर्स के जनरल कैटेगरी के 199 पद हैं, 199 पद हैं। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 56 पद हैं, SC के लिए 101 हैं, BCA के लिए 90 हैं, एक्सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के 43 हैं, बैकवर्ड क्लास BCB के 38 हैं, एक्सर्विसमैन BCA के 14 हैं, एक्सर्विसमैन SC के 12 हैं, एक्सर्विसमैन BCB के 16 पद हैं। इसी प्रकार जो स्पोर्ट्स पर्सन है जनरल कैटेगरी के, उनके 5 पद हैं, एक्सर्विसमैन जो एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है SC श्रेणी के 6 पद हैं, स्पोर्ट्स पर्सन BCA के 4 पद हैं, BCB के 3 पद हैं और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 8 पद हैं। तो कुल मिलाकर ये स्टाफ नर्स के 595 पद विज्ञापित किए गए हैं। इसी प्रकार क्लर्क के कुल 54 पोस्ट एडवर्टाइज की गई हैं। इन 54 पदों में 54 पदों में जनरल श्रेणी के जो पद हैं वो 15 पद हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 5 पद हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 8 हैं, BCA के लिए 7 हैं, एक्सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के लिए 6 हैं, BCB के लिए 3 पद हैं, एक्सर्विसमैन BCA के 2 पद हैं, एक्सर्विसमैन SC के 2, एक्सर्विसमैन BCB के 2, स्पोर्ट्स पर्सन SC के 2, स्पोर्ट्स पर्सन BCA के 1, स्पोर्ट्स पर्सन BCB का 1 पद है, और ये कुल मिलाकर इस प्रकार 54 पद विज्ञापित किए गए हैं। और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी कुल 30 पद एडवर्टाइज किए गए हैं, जनरल श्रेणी के 11, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 2, SC के 4, BCA के 4, एक्सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के 4, BCB के 3, BCA के 1, एक्सर्विसमैन SC का 1। इसी प्रकार स्टोर कीपर के कुल 25 यानी 25 पद विज्ञापित किए गए हैं, जनरल श्रेणी के 7, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 3, SC के 4, बैकवर्ड क्लास BCA के 3, एक्सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के 4, बैकवर्ड क्लास BCB के 3, एक्सर्विसमैन BCA के 1। इसी प्रकार लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी कुल 113 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 113 पदों के अंदर जनरल श्रेणी के 36 पद हैं, वीकर सेक्शन के 10, SC के 15, BCA के 10,
एक्सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के 9, बीसीबी के 8, बीसीए के 4, एससी के 6, बीसीबी के 5, बीसीए के 2, एससी के 3 और फिजिकली हैंडीकैप्ड श्रेणी के लिए 5 पद लेबोरेटरी टेक्नीशियन के एडवर्टाइज किए गए हैं। कुल मिलाकर 113 पद एडवर्टाइज हुए हैं। इसी प्रकार जो लेबोरेटरी अटेंडेंट के भी कुल 123 पद विज्ञापित किए गए हैं। जनरल श्रेणी के 45, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 13, एससी के लिए 20, बीसीए के लिए 13, एक्सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के लिए 10, बीसीबी के लिए 9, बीसीए के लिए 4, एससी के लिए भी 4, बीसीबी के 2, स्पोर्ट्स पर्सन जनरल कैटेगरी के 1, स्पोर्ट्स पर्सन एससी कैटेगरी का 1, स्पोर्ट्स पर्सन बीसीए का 1, तो कुल मिलाकर 123 पद लेबोरेटरी अटेंडेंट के भी विज्ञापित किए गए हैं। इसी प्रकार ओटी टेक्नीशियन यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के कुल 36 पद विज्ञापित किए गए हैं। जनरल श्रेणी के 9, वीकर सेक्शन के 3, एससी के 7, बीसीए के 5, एक्सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के 2, बैकवर्ड क्लास बी के 3, एक्सर्विसमैन बीसीए का 1, एक्सर्विसमैन एससी का 1, एक्सर्विसमैन स्पोर्ट्स पर्सन एससी का 1, स्पोर्ट्स पर्सन बीसीबी का 1, स्पोर्ट्स पर्सन जनरल कैटेगरी का 1 और इसी प्रकार फिजिकली हैंडीकैप्ड के भी 2 पद इन 36 पदों के अंदर हैं ऑपरेशन थिएटर के। तो इन पदों को भरने के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है वो आपको बता देते हैं, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर है। स्टाफ नर्स के लिए जो पे स्केल है उसका 9300 से लेकर 3400 तथा 4200 ग्रेड पे के साथ ये पद एडवर्टाइजमेंट किए गए हैं। जो एज लिमिट है स्टाफ नर्स के लिए वो 18 से 42 वर्ष की है और जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से विद हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यानी जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हायर क्वालिफिकेशन के लिए बीएससी या एमएससी नर्सिंग होना चाहिए और जो नर्सिंग का जो ए ग्रेड नर्स और मिडवाइफरी विद हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। इसी प्रकार क्लर्क का जो पे स्केल है वो 5200 से लेके 20200 तथा 1900 ग्रेड पे के साथ एडवर्टाइज किया गया है। एज लिमिट जो है वो 18 वर्ष से 42 वर्ष होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट कैंडिडेट ही जो भर्ती है क्लर्क की इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कैंडिडेट को टाइपिंग आना बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड क्वालिफाई अ स्पीड टेस्ट 9000 की डिप्रेशन इन इंग्लिश और 7500 की डिप्रेशन इन हिंदी और हिंदी संस्कृत मैट्रिक स्टैंडर्ड तक पास कर रखी होनी चाहिए और कैंडिडेट को स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो प्रोबेशन लगने के प्रोबेशन पीरियड 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है उसके दौरान उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो स्टेनोटाइपिस्ट के जो पे स्केल है वो 5200 से लेके 20200 तथा 1900 ग्रेड पे तथा 100 रुपये स्पेशल पे के साथ एडवर्टाइज किया गया है। एज लिमिट इसके लिए 18 से 42 वर्ष है और जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और 80 वर्ड पर मिनट स्पीड इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड होनी चाहिए और जो ट्रांसक्रिप्शन की जो स्पीड है वो 15 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और 8% मिस्टेक सिर्फ परमिजिबल हैं। इसके ज़्यादा अगर यदि आपकी मिस्टेक होंगी तो आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। टाइपिंग स्पीड में भी आपका टेस्ट होगा और उसके लिए आपको 9000 की डिप्रेशन इन इंग्लिश और 7500 की डिप्रेशन इन हिंदी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और आपके पास साथ के साथ मैट्रिक स्टैंडर्ड तक हिंदी और संस्कृत का जो सब्जेक्ट है वो आपको क्वालिफाई किया होना चाहिए। इसी प्रकार जो स्टोर कीपर का जो पे स्केल है वो 5200 से लेके 20200 तथा 1900 ग्रेड पे के साथ एडवर्टाइज किया गया है और एज लिमिट भी 18 वर्ष से 42 वर्ष है और जो जरूरी क्वालिफिकेशन है इसके लिए ग्रेजुएट होना कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़रूरी है और कैंडिडेट को कंप्यूटर के ऊपर डाटा एंट्री स्पीड 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर स्किल इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ इंटरनेट ईमेल का एक टेस्ट होगा जो क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको और हिंदी संस्कृत का जो सब्जेक्ट आपको मैट्रिक स्तर का पास कर रखा होना चाहिए। इसी प्रकार जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो पे स्केल रखा है वो 9300 से लेकर 34800 तथा 4200 ग्रेड पे के साथ एडवर्टाइज किया गया है। जो एज लिमिट है वो 18 वर्ष से 42 वर्ष होनी चाहिए और जो जरूरी क्वालिफिकेशन है इसके लिए
वो बीएससी होनी चाहिए, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल बीएमएलटी, यानी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर रखी होनी चाहिए, और मैट्रिक स्तर तक हिंदी और संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए भी जो पे स्केल रखा गया है वो 5,200 से लेकर 20,200 तथा 1900 ग्रेड पे के साथ एडवर्टाइज किया गया है, और जो एज लिमिट है वो 18 वर्ष से 42 वर्ष के कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो जरूरी क्वालिफिकेशन है यानी मैट्रिक ऑफ 10+2 सिस्टम विद हिंदी संस्कृत एंड साइंस एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ एक डीएमएलटी का जो डिप्लोमा है 2 वर्ष का, वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हरियाणा गवर्नमेंट के या AICTE से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कर रखा होना चाहिए। इसी प्रकार जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है उसके लिए जो पे स्केल है 5,200 से लेकर 20,200 तथा 2400 ग्रेड पे के साथ एडवर्टाइज किया गया है, और जो एज लिमिट है वो 18 वर्ष से 42 वर्ष के कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो जरूरी क्वालिफिकेशन है इसके लिए वो बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर रखा होना चाहिए, और हिंदी और संस्कृत का ज्ञान मैट्रिक स्तर तक होना चाहिए। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अब वो फीस की है कि एप्लीकेशन फीस कितनी देनी होगी इन इन पोस्टों के लिए, वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब दिखाई पड़ रही होगी। जो क्लास सी ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं उसके लिए जो जनरल श्रेणी के कैंडिडेट हैं और जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये फीस देनी होगी, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल श्रेणी के उनको 300 रुपये पर एप्लीकेशन फीस जमा करानी होगी, और जो रिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल ओनली यानी जो हरियाणा के रिजर्व कैटेगरी हैं उन जो और उनमें जो मेल कैंडिडेट उनको 150 रुपये और जो फीमेल हैं उनको 75 रुपये फीस जमा करानी होगी, और जो एक्सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड के जो कैंडिडेट हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप 15 मई 2019 का इंतज़ार ना करते हुए उससे पहले ही आप अपना आवेदन भरें ताकि आप किसी भी प्रकार का डिले ना हो, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक ज़रूर करें, और अपने मित्रों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस प्रकार के जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस हैं, जो नए नए एम्प्लॉयमेंट नोटिस आते हैं, वो आपको सबसे पहले मिले। तो आप इस पूरी एडवर्टाइजमेंट को जानने के लिए जो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर जाकर, यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है www.uhsr.ac.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपके पास कोई इस भर्ती से संबंधित कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें, हम उनका आपको रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। तो कृपया इस वीडियो को आप शेयर व लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।